और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, कल से बीजेपी का महाधिवेशन आंदोलन। बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी का ये महाअधिवेशन आंदोलन 2 दिन होगा, ये बड़ी खबर सामने आई है। कल से ही बीजेपी का ये महाअधिवेशन आंदोलन जो कि 2 दिन तक चलेगा, ये बड़ी खबर इस वक्त की। हालांकि इस महाधिवेशन आंदोलन के पीछे क्या मकसद है ये देखना होगा, लेकिन 2 दिन का ये महाअधिवेशन आंदोलन बीजेपी का कल से। और कुमार गौरव जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार, जरा बताइए, कुमार गौरव, बीजेपी का ये महाधिवेशन आंदोलन क्या है? ये बीजेपी का राष्ट्रीय महाधिवेशन है। हर लोकसभा चुनाव से पहले जीत सिक्योर करने, यानी कि अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जीत का मंत्र भरने के लिए बीजेपी राष्ट्रीय महाधिवेशन करती है। और 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है, उसको फतह करना है। 370 सीट बीजेपी के लिए और 400 सीट एनडीए के लिए चाहिए, इसलिए बीजेपी ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय महाधिवेशन बुलाई है। कल 17 तारीख को शाम 3 बजे से ये शुरू होगी। उससे पहले 17 तारीख को सुबह राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें तमाम एजेंडे तय किए जाएंगे कि राष्ट्रीय महाधिवेशन में किन किन मुद्दों पर चर्चा होनी है। 17 तारीख को जब ये कार्यक्रम शुरू होगा, राष्ट्रीय महाधिवेशन शुरू होगा, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन भाषण होगा। और 18 तारीख को जब ये समाप्त होगा कार्यक्रम, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समापन भाषण, यानी उनके गुरु मंत्र, 24 के लोकसभा चुनाव के लिए जो गुरु मंत्र उनको देना है, उसके साथ ये कार्यक्रम शुरू होगा। इसमें 2 प्रस्ताव आएंगे, जिसमें सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव होंगे, लेकिन राम मंदिर का जिक्र उसमें विशेष तौर पर होगा। साथ ही केंद्र सरकार की 12 सबसे महत्वपूर्ण और सफल नीतियों पर विशेष तौर पर चर्चा की जाएगी, ताकि 11,500 जो प्रतिभागी, जो कैडर्स आ रहे हैं पार्टी के इस कार्यक्रम में, वो जिले स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक के प्रतिभागी हैं, वो अपने अपने इलाके में जाएं और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बेहतर तरीके से, जैसा उन्हें बताया जाएगा राष्ट्रीय महाधिवेशन में, जिस तरह से समझाया जाएगा, ठीक उसी तरह से आम जनता के सामने रखें, ताकि 370 सीटों का जो लक्ष्य है 2024 लोकसभा चुनाव में, वो सिक्योर हो सके। आज 400 सीटों का एनडीए के लिए जो लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री मोदी ने, वो सिक्योर हो सके। तो कहीं ना कहीं ये 2 दिवसीय जो कार्यक्रम है, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए और 2024 में जीत सुनिश्चित करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने और जीत का गुरु मंत्र देने के लिए आयोजित किया गया है। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले भी इस तरह का महाधिवेशन हुआ था, 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भी इस तरह का महाधिवेशन हुआ था, और 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है, ऐसे में ये महाधिवेशन बुलाया गया है। जी ठीक है, और इस बार टारगेट बड़ा है और ऐसे में चुनौतियां भी कम नहीं है, और ऐसे में राष्ट्रीय महाधिवेशन जो बीजेपी की तरफ से बुलाया गया है 2 दिन का, ये कल से शुरू होगा। तो ऐसे में कुमार गौरव, ये कहां, दिल्ली में ही जो मुख्यालय है बीजेपी का, क्या वहीं पर होगा? और अगर हाँ, तो ऐसे में जो किसानों का जो दिल्ली कूच है, क्योंकि उसको लेकर तमाम सीमाएं सील की गई है, तो वो कैसे सब एडजस्ट होगा? देखिए, बिल्कुल दिल्ली में ही भरत मंडपम जो नया बना है, जहां G20 की बैठक से जिस ऐतिहासिक जगह की शुरुआत हुई है, उस जगह पे ही बीजेपी राष्ट्रीय महाधिवेशन करने जा रही है। भरत मंडपम जो कि मुख्य दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली में स्थित है। जहां तक किसान आंदोलन का सवाल है, दिल्ली के बॉर्डर पे किसान नहीं पहुंचे हैं, अभी वो हरियाणा का बॉर्डर भी क्रॉस नहीं कर पाए हैं, इसलिए जो कार्यक्रम है बीजेपी का, उसमें कोई बाधा नहीं है। 11,500 कैडर्स जो है, केंद्र से लेकर जिले से लेकर मंडल स्तर तक के जो कार्यकर्ता होते हैं, पार्टी के नेता होते हैं, उनको इसमें इनवाइट किया गया है। सबके लिए अलग से आइडेंटिटी कार्ड इशू किया गया है आसपास, क्योंकि प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, तो बड़ी संख्या में सुरक्षा की भी तैनाती की गई है और एक एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके ही कार्यक्रम स्थल के अंदर जाने दिया जाएगा। ये बीजेपी में जब भी राष्ट्रीय महाधिवेशन या कार्यक्रम होता है, या जब भी प्रधानमंत्री का आना होता है, उस वक्त का ये प्रोटोकॉल है। लिहाजा किसान आंदोलन से बीजेपी के राष्ट्रीय महाधिवेशन को कोई दिक्कत नहीं। जहां तक किसानों के आंदोलन की बात है, उसके लिए केंद्र सरकार से केंद्र सरकार किसान संगठनों से बातचीत कर रही है, उनकी मांग पर सकारात्मक तरीके से विचार कर रही है। साथ ही उससे जो दिक्कतें आ सकती है राजनीतिक तौर पर बीजेपी को, उसके लिए ग्राम परिक्रमा अभियान बीजेपी देश भर में 1 महीने का शुरू कर चुकी है, जिसके तहत 6 करोड़ किसान परिवारों तक बीजेपी के कार्यकर्ता जाएंगे और बताएंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी के दिल में किसान बसते हैं। जी बिल्कुल, सरकार किसान हितैषी है और ये संदेश किसानों तक और उस वर्ग तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश यहां पर मोदी सरकार की तरफ से की जा रही है। 2 दिन का ये अधिवेशन होगा, जो कि प्रगति मैदान के भारत मंडपम में ही इस कार्यक्रम का आयोजन होगा,
और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का जो समापन है उनके भाषण के साथ ही होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार गौरव इस तमाम जानकारी के लिए।